Hello everyone, welcome to Kids English Online Classes. So today we are going to start with chapter number 3. Animals, how life goes on. Okay, so just open your textbook, page number 265, chapter number 3 of Science. Animals, how life goes on. Identify the animals. What are the babies of these animals called? So you have to identify the name of the animals given in the picture. So in the picture, the first animal we can see, A1 is rabbit. So you will write here the name of the animal, A, rabbit. Young one of rabbit is called kilt. B is tiger, T-I-G-E-R, tiger. Here you will write R-A, double B, I-T, rabbit, K-I-K-L-T, kilt. Okay, tiger, cub, C-U-B. Third one is sheep. The baby of sheep is known as lamb. Fourth, duck. Baby of duck, duckling. D-U-C-K, duck, L-I-N-G, duckling. Okay, so these are the name of the animals, and these are the name of their young ones. Young one means their babies. Introduction. Have you ever wondered that a person dies after living for a certain number of years life? अपने हमने सबने देखा है कि कुछ साल इंसान जीते, कुछ साल एनिमल्स जीते, and they die after some years. This is because all living beings live only for a certain period of time called as their lifespan. इस क्योंकि ले हर एक living beings, जो भी living beings है, वो कुछ time के लिए जीते, इसी उसे कहा जाता है lifespan, मतलब उनकी जिंदगी का period, lifespan. They die when their lifespan is completed. वो मर जाते जब उनकी लाइफ स्पैन कंप्लीट होती या खत्म हो जाती. द एवरेज लाइफ स्पैन ऑफ ह्यूमंस इज 79 years. ह्यूमंस की इंसान 79 years उनकी एवरेज लाइफ स्पैन है, मतलब नॉर्मली लोग 79 years जीते हैं, या फिर कोई उससे ज़्यादा भी जी सकता है या उससे कम भी. टू एंश्योर दैट लाइफ गोज ऑन, लिविंग बींग्स मस्ट प्रोड्यूस मोर ऑफ देयर ओन काइंड बिफोर दे डाई. अब लाइफ चलने के लिए, लाइफ मूव होने के लिए, गो ऑन होने के लिए ज़रूरी है कि लिविंग बींग्स उनके जैसा ही कोई एक काइंड प्रोड्यूस करे, कोई एक काइंड बनाए, ताकि लाइफ चलती रहे, दुनिया चलती रहे. द प्रोसेस बाय विच लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस मोर ऑफ देयर ओन काइंड इज कॉल्ड रीप्रोडक्शन. जो प्रोसेस लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करते हैं उनके जैसा सेम काइंड, उनके जैसा ओन काइंड, मतलब जैसा हेन है, हेन चिक्स को बर्थ देती, तो हेन के जो बेबीज है वो सेम हेन के जैसे दिखते हैं. सो इट इज़ नोन एज रीप्रोडक्शन. एनिमल्स रीप्रोड्यूस इन दिस फॉर्म्स बाय गिविंग बर्थ टू यंग वंस, बेबीज. एनिमल्स दो फॉर्म में रिप्रोड्यूस, या तो वो अपने बेबीज को बॉर्न कर बर्थ देते या फिर एग ले करते. एग्जाम्पल ह्यूमंस, काउस, डॉग्स, कैट्स, माउस, एलिफेंट्स, लॉयन, व्हेल्स, ये सब क्या प्रोड्यूस करते, बेबीज प्रोड्यूस करते. ह्यूमन बेबीज प्रोड्यूस करें, काउ काल्फ प्रोड्यूस, काउ काउ के बेबी प्रोड्यूस करता है. सो इट इज़ हम जैसे काउ का बच्चा कहते हैं, तो इट इज़ नोन एज काल्फ. बाय laying eggs, कुछ animals egg lay करते. Their young ones hatches out of the egg. Example, birds, reptiles and insects. अब कुछ animals egg lay करते, वो egg में से babies निकलते, उनके बच्चे निकलते. So the example is birds, reptiles and insects. Animals that lay eggs, जो animals egg lay करते, birds. All birds reproduce by laying eggs. सारे बर्ड्स एग देते हैं. ओके, द फीमेल बर्ड्स बिल्ड नेस्ट ऑन ट्री टू ले देयर एग्स एंड राइज देयर यंग वंस. जो फीमेल बर्ड रहती
वो क्या करती, वो अपने लिए नेस्ट ग्रो बनाती, नेस्ट मीन्स अपना जो घोंसला बनाती उसमें एग ले करती और उसी के अंदर उसके जो बेबीज है उसको बड़ा करती। पार्ट ऑफ एन एग, एग के पार्ट्स क्या रहते हैं? द मेजर पार्ट ऑफ एन एग आर द शेल और आउटर कवरिंग, योक, एम्ब्रियो, एल्ब्यूमिन और एग वाइट। अब हमने अंडा देखे तो अंडे में क्या रहता, ऊपर बाहर वाइट रहता, फिर अंदर वाइट पार्ट वाइट जैसे रहता और फिर अंदर येलो रहता। सो दिस वाइट पार्ट, ये बाहर का जो वाइट पार्ट रहता जिसे हम शेल करते शेल कहते हैं, हम उसे फोड़ते फिर अंडा उसमें से निकलता, राइट। सो दिस इज नोन एज शेल। उसके अंदर जो वाइट वाइट लिक्विड रहता है उसे कहा जाता है एग वाइट, एंड येलो पार्ट इज नोन एज योक, एंड स्मॉल पार्ट इज नोन एज एम्ब्रियो, जो एकदम छोटा पार्ट रहता है उसे कहा जाता है एम्ब्रियो। एन एग ऑफ अ बर्ड हैज अ हार्ड आउटर शेल, जो बर्ड का एग रहता है जैसे हेन का एग, उसके जो बाहर का जो शेल है वो एकदम हार्ड रहता, इट प्रोटेक्ट्स द एग, वो एग को प्रोटेक्ट करता। द येलो पोर्शन इज इन द सेंटर इज द योक, जो येलो पोर्शन है उसे क्या कहा जाता है योक। द एम्ब्रियो ग्रोज इन टू अ बेबी बर्ड कॉल्ड चिक, जो एम्ब्रियो है दिस वन दिस इज एम्ब्रियो, ये एक बेबी बर्ड में ग्रो होता है जिसे कहा जाता है चिक। द डिवेलपमेंट एम्ब्रियो ऑब्टेन फूड फ्रॉम द योक, अ वाइट वॉटरी सब्सटेंस कॉल्ड एल्ब्यूमिन सराउंड्स द योक। सो अब नाउ ये जो एम्ब्रियो है ये क्या, वॉट एम्ब्रियो ग्रो होने के लिए क्या खाता, ये योक खाता, और इसका जो बाहर वाइट सर्फेस है उसे कहा जाता है एल्ब्यूमिन, जो योक को प्रोटेक्ट करता। इट प्रोवाइड्स वाटर टू द एम्ब्रियो एंड प्रोटेक्ट द एम्ब्रियो फ्रॉम शॉक एंड जर्क्स, ये जो वाइट वाइट पार्ट है वो एग को वाटर प्रोवाइड करता और वो एग को बचाता शॉक से, अगर एग अचानक गिर गया तो उसको टूटने से बचाता, जर्क में अगर झटका आया तो उससे भी उसे उसकी प्रोटेक्ट करता। द मेल और फीमेल बर्ड sits on the egg for a few weeks in order to keep them warm. Male or female bird कुछ हफ्तों तक उस वो एग के ऊपर बैठते ताकि वो एग को वॉर्म रख सके, और जब वो वॉर्म रहता then there is production of yolk, तभी yolk मतलब चिक्का चिक बनना स्टार्ट होता। This is known as incubation, इसे कहा जाता incubation, warming of egg मतलब एग को गर्म करना, उसको कहा जाता है इनक्यूबेशन। व्हेन द एग द एम्ब्रियो गोज थ्रू वेरियस डेवलपमेंटल स्टेजेस, व्हेन द चिक इज फुली डेवलप इट ब्रेक्स ओपन द एग शेल एंड कम आउट। फिर कुछ जब एग और एम्ब्रियो डेवलपमेंट स्टेज तक पर जाते और फिर वो बर्ड फॉर्म हो जाती, चिक फॉर्म होता, विद चिक शेल को ब्रेक कर कर बाहर आ जाता, दिस इज कॉल्ड हैचिंग, इसे कहा जाता हैचिंग। द पेरेंट बर्ड्स फीड एंड प्रोटेक्ट द चिक्स अंटिल दे कैन लुक आफ्टर देमसेल्फ, पेरेंट्स जो रहते पेरेंट बर्ड्स जो रहते वो अपने चिक की प्रोटेक्ट करते हैं, उनका ध्यान रखते जब तक वो थोड़े बड़े नहीं हो जाते। द चिक ग्रोज इन टू एन अडल्ट, फिर चिक जैसे बड़े हो गए तो पेरेंट्स उनको छोड़ देते हैं। ऑल एनिमल्स हैव अ लाइफ साइकिल, सारे एनिमल्स की लाइफ साइकिल रहती, मींस लाइफ साइकिल मींस पहले मदर हैन रहती, फिर मदर हैन से एग प्रोड्यूस होता, एग से वो एग ग्रो होता, फिर हैचिंग होती एंड देन चिक बनता, फिर वो चिक वापस मदर हैन बनती, इट इज नोन एज लाइफ साइकिल। द डेवलपमेंट ऑफ एन एनिमल From embryo to adult is called its life cycle. कोई भी एनिमल का एक एग से एक एम्ब्रियो से चिक बन जाना एनिमल बन जाना उसे कहा जाता लाइफ साइकिल। द डिफरेंट फॉर्म ऑफ एन एनिमल लाइक एग चिक अडल्ट इन द केस ऑफ बर्ड्स आर कॉल्ड द स्टेजेस ऑफ द लाइफ साइकिल। अब हेन की लाइफ साइकिल कैसे रहेंगी, पहले मदर एग, आप मदर एक एग ले करेंगी, मदर हेन एग देंगी,
देन वो एग को वॉर्म करने के बाद चिक बनना स्टार्ट होगा। जैसे चिक बन जाएगा, चिक वो शेल को तोड़कर बाहर आ जाएगा, जिसे हम कहते हैं हैचिंग। एंड द चिक ग्रोज, फिर चिक ग्रो होना स्टार्ट होगा। एंड वंस द चिक इज ग्रोन, इट अगेन बिकम हेन। फिर जैसे चिक बड़ा हो जाएगा, फिर से क्या बन जाएगा? हेन। द मदर हेन लेज एग इन हर नेस्ट एंड सिट्स ऑन देम टू कीप देम वॉर्म। मदर हेन क्या करती है? अपने नेस्ट में एग ले करते हैं एंड देन वो एग के ऊपर बहुत टाइम तक बैठे रहते हैं। दिस हेल्प्स द एम्ब्रियो टू डेवलप बेटर एंड फास्टर, जिसके वजह से एम्ब्रियो अच्छी तरीके से और फास्ट डेवलप होते हैं। वंस द एम्ब्रियो विद इन द एग हैज डेवलप इनटू अ चिक, द चिक ब्रेक्स द शेल टू कम आउट। एक बार जो ये जो एम्ब्रियो है वो चिक बन गया, तो वो चिक अपने आप बाहर आ जाता है उस शेल को तोड़कर। दिस इज कॉल्ड हैचिंग, उसे कहा जाता हैचिंग। द यंग चिक देन ग्रोज अप टू बिकम एन अडल्ट हेन, फिर जैसी चिक ग्रो होता वो एक अडल्ट हेन बनना स्टार्ट हो जाता। नेक्स्ट फ्रॉग, अ फीमेल फ्रॉग लेज हंड्रेड्स ऑफ एग्स एट अ टाइम इन अ लेक और अ पॉन्ड। एक फीमेल फ्रॉग हंड्रेड्स ऑफ एग एक साथ ले करती, मतलब एक साथ देती। दिस एग क्लस्टर्स आर कॉल्ड स्पैन्स, द एग्स आर सराउंडेड बाय अ जेली लाइक स्टक सब्सटेंस दैट प्रोटेक्ट्स द एग। अ टाइनी यंग वन कॉल्ड अ टैटपोल हैचेस आउट ऑफ एन एग। ये जो अडल्ट फीमेल फ्रॉग है, फीमेल एक साथ हंड्रेड्स ऑफ एग्स देती, जैसे ये हंड्रेड्स ऑफ एग्स को स्पैन्स कहा जाता। ये स्पैन्स थोड़े बड़े होने के बाद क्या बनते? टैटपोल्स। देन ये एग के बाहर आके टैटपोल्स बन जाते। अ टैटपोल डज नॉट रिसेम्बल अ फ्रॉग, इट लुक्स मोर लाइक अ स्मॉल फिश। ये टैटपोल्स फ्रॉग के जैसे नहीं दिखाई देते, ये छोटे छोटे फिशेस के जैसे दिखाई देते। इट स्विम्स इन वाटर एंड ईट्स वाटर प्लांट, ये वाटर पानी के अंदर स्विम करते और वाटर प्लांट्स को खाते। आफ्टर अबाउट 6 वीक द टैटपोल बिगैन टू ग्रो ऑर्गन्स एंड लिम्स। 6-6 हफ्तों के बाद ये टैटपोल्स ऑर्गन्स और इनके पैर बनना स्टार्ट होते। स्लोली द टेल बिगैन टू डिसअपियर, स्लोली स्लोली उनकी जो टेल है वो डिसअपियर होना स्टार्ट हो जाती। In about 12 weeks, it transfer into a fully developed frog. 12 weeks में, 12 हफ्तों में एक एग से फ्रॉग कम्प्लीटली बन जाता। These complete change in the form of organism from an egg stage to the adult stage is called metamorphosis. इसे कहा जाता metamorphosis, जहाँ से एग ले करे, बहुत सारे एग एक साथ ले हुए, वो एग में एग से टैटपोल्स बने, वो टैटपोल छोटे छोटे फिशेस के जैसे रहते। फिर टैटपोल बनने के बाद उनके हाथ पैर उनके लिम्स बनना स्टार्ट हुए, ऑर्गन्स बनना स्टार्ट हुए फ्रॉग के जैसे। जब वो फ्रॉग बनने लगे तो उनकी टेल क्या हो गई? गायब होने लगती एंड इट बिकम एन अडल्ट फ्रॉग। तो ये कंप्लीट प्रोसेस, ये पूरे प्रोसेस को कहा जाता मेटामॉर्फोसिस। द प्रोसेस इज नोन एज मेटामॉर्फोसिस। Next is fish. Fish too lay their eggs in water. Fishes lay thousands of eggs at one time, of which many are eaten by big fish. Baby fish hatches from these eggs. Ab fishes ek saath thousands of egg lay karte. So frogs hundreds of egg dete the. उसी तरह फिशेस थाउजेंड्स ऑफ एग्स देते हैं। जैसे वो थाउजेंड्स ऑफ एग देते हैं, कुछ एग्स को बड़े बड़े फिशेस खा लेते हैं, बट कुछ एग्स बेबी फिशेस बन जाते हैं। इंसेक्ट्स, इंसेक्ट्स ले एग्स, द एग्स देन गो थ्रू सेवरल स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट बिफोर बिकमिंग अडल्ट इंसेक्ट। इंसेक्ट्स भी एग ले करते, वो एग से इंसेक्ट बनने के लिए कुछ स्टेजेस रहते। दिस लाइफ साइकिल टू शो मेटामॉर्फोसिस, जिस तरह हमने
फ्रॉग का देखे वो एग बनता, देन टैट स्पैम्स एग से टैटपोल बनता, टैटपोल से उसके ऑर्गन्स आते, उसी तरह जो इंसेक्ट्स है उनका भी ऐसा, वो एग ले करते हैं, एग ले करने के बाद वो छोटे से इंसेक्ट बनते हैं, फिर इंसेक्ट बनने के बाद वो हाउस फ्लाई या बटरफ्लाईज बनते हैं। हाउस फ्लाई गो थ्रू फोर स्टेजेस इन द लाइफ साइकिल। द हाउस फ्लाई लेज हंड्रेड्स ऑफ एग एट अ टाइम। हाउस फ्लाई भी हंड्रेड्स ऑफ एग्स देती एक टाइम में। हाउस फ्लाई गो थ्रू फोर स्टेजेस इन द लाइफ साइकिल। द हाउस फ्लाई लेज हंड्रेड्स ऑफ एग एट अ टाइम। ईच एग हैचेस टू प्रोड्यूस अ यंग वन कॉल्ड अ लार्वा। सो जिस एग क्या प्रोड्यूस करता, लार्वा। द लार्वा ऑफ अ हाउस फ्लाई इज कॉल्ड मैगॉट। ये लार्वा को क्या कहा जाता, मैगॉट। लार्वा एक वॉर्म के जैसे दिखता है, एक कीड़े के, जैसे हम कैटरपिलर्स बोलते हैं उसी तरह लार्वा दिखाई दे रहा। द लार्वा लुक लाइक अ वॉर्म। इट डज नॉट हैव लेग्स और विंग्स। लार्वा के पास ना लेग्स होते ना विंग्स होते, ये एक वॉर्म के जैसा दिखाई दे रहा। आफ्टर सम डेज द लार्वा बिकेम बैरल शेप। कुछ टाइम के बाद वो लार्वा एक बैरल शेप के जैसा बन जाता है, जिसे कहा जाता है पूपा। पूपा मीन्स जैसे उसके ऊपर एक कवरिंग आ जाती है। द पूपा इज कवर्ड बाय अ कुकून। ये कवरिंग को क्या कहा जाता, कुकून। द कुकून ब्रेक्स ओपन इन अ वीक एंड अ यंग हाउस फ्लाई कम्स आउट। फिर एक कुछ वीक के बाद, एक हफ्ते के बाद ये जो कुकू है ये ब्रेक हो जाता एंड इट बिकम्स अ बटरफ्लाई। सेम वे कॉकरोचेस ऑल्सो। कॉकरोचेस एग ले करती, वो एग से निफ, निफ मीन्स जैसा जैसे लावा कहते हैं उसी तरह निफ बनता, एंड देन निफ से अदर कॉकरोचेस बनना स्टार्ट हो जाता, लाइक बेबी कॉकरोचेस हम कहेंगे। ओके, इंसेक्ट्स सच एज ड्रैगन फ्लाइज, ग्रास हॉपर एंड कॉकरोचेस पास थ्रू थ्री स्टेजेस ऑफ लाइफ साइकिल। A young cockroach known as nymph develops from an egg. It does not have wings. It sheds its skin several times and changes into an adult. So, जो cockroach का young baby रहता वो develop नहीं होता, उसके पास wings नहीं आते, वो बहुत time तक अपनी skin shed कर, मतलब remove कर देती है और उनको नई skin आती, उसके बाद वो एक adult बनते। The process of shedding the old skin is called molting. उनकी जो पुरानी स्किन निकल जाती, जैसे हमारे दांत है, पहले मिल्क टीथ रहते, वो टूटने के बाद परमानेंट टीथ आ जाते, तो सो उसी तरह इनकी जो जब पुरानी स्किन शेड हो जाती, निकल जाती, उसे कहा जाता मोल्टिंग। बटरफ्लाइज एंड मॉथ्स ऑल्सो गो थ्रू फोर स्टेजेस बिफोर बिकमिंग एडल्ट। बटरफ्लाइज और मॉथ्स, बटरफ्लाईज भी फोर स्टेजेस। बटरफ्लाई जब लेग ए करते, लेग्स देते बहुत सारे, एग्स देते हैं, एग्स टर्न इंटू लावा, वो लावा हैच प्यूपा में कन्वर्ट होते हैं, आफ्टर दैट प्यूपा इट बिकम्स अ बटरफ्लाई। द एग्स हैच इंटू लावा। द लावा ऑफ अ बटरफ्लाई इज कॉल्ड कैटरपिलर। बटरफ्लाई के लावा को कहा जाता कैटरपिलर। The third stage is the pupa, followed by an adult emerging from the cocoon. फिर उसके बाद वो leaves के अंदर, leaves उसको पूरा cover कर लेते, जैसे उसे कहा जाता pupa. And after that pupa, butterfly is grown. Next, reptiles, snakes, turtles, crocodiles, and lizards form a group of animals called reptiles. जो क्रॉल करते एनिमल्स उसे उसे क्या कहा जाता, रेप्टाइल कहा जाता। रेप्टाइल्स ले एग्स, रेप्टाइल्स भी एग देते। स्नेक्स ले एग्स ऑन द ग्राउंड, स्नेक्स ग्राउंड के ऊपर एग्स देते। टर्टल्स एंड क्रोकोडाइल डिग शैलो पिट्स नियर रिवर बैंक फॉर लेइंग देयर एग्स। और टर्टल्स और क्रोकोडाइल्स को अगर एग्स देना है तो वो रिवर के पास खड्डा करेंगे, पिट करेंगे और उसके अंदर वो एग्स ले करते हैं
or snakes lay egg on the ground. Animals that give birth to young ones. Some animals do not lay egg. Kuch animals egg lay nahi karte. They reproduce by giving birth to young ones. Wo kaise reproduce karte? Direct birth dekar young ones ko. Such animals that give birth to young ones are called mammals. Ye animals jo directly babies produce karte, young ones produce karte, usse kaha jata? Mammals. Mammals produce milk. This is to feed their babies. Mammals kya produce karte? Milk produce karte taki wo apne babies ko feed kar sake. Humans pila sake. Humans and mammals are so and so are dogs, dolphins, whales, elephants, hippopotamus and horses. ये सारे जो animals हैं इन्हें mammals कहा जाता है. ये babies produce करते हैं, birth देते babies को and they produce milk ताकि वो अपने babies को feed कर सकें. Care of young ones. Just as our parents look after us, all other animals look after their newborn babies. Birds lay eggs in their nest. When the eggs hatches and the babies come out, then they are weak and featherless. The parents feed them and protect them from enemies. जिससे हमारे parents हमारा care करते हैं, जब हम new born होते, जब हम born होते हैं तो हमारे parents हमारा ध्यान रखते हैं, हमको हमारा care ले करते हैं, हमें feed करते हैं, खिलाते हैं. उसी तरह birds भी क्या करते हैं, अपने eggs को protect करते हैं. उनके जो babies होते हैं वो भी weak रहते हैं तो वो उनको feed करते हैं, मतलब उनको खिलाते हैं. Mammals build house to protect their babies from enemies. The babies drink their mother's milk until they are old enough to eat their food. So mammals, अगर humans है, दूसरे mammals है, वो क्या घर बनाते हैं ताकि वो अपने babies को enemies से protect करें. और babies milk पीते जब तक कि वो खाना start नहीं करते. She cleans them and keeps them warm. So उनके जो mothers है उनको clean रखते, साफ रखते, उनको कपड़े पहनाते हैं, उनको वार्म रखते हैं. Kangaroos have a pouch to carry their young ones. Animals that carry young ones in their pouch are called marsupials. So, kangaroo के पास अपने बेबी को कैरी करने के लिए एक पाउच रहता. So, जो एनिमल्स अपने यंग वंस को कैरी करते हैं इन देयर पाउच आर कॉल्ड marsupials. So, this is your kangaroo and this is the pouch. Next is exercise. Choose and write the correct options. All living beings live only for a certain period of time. This period of time is called their life span. Frogs and insects give birth to young ones, do not produce babies, lay eggs. The egg white is known as albumin. The young one of a cockroach is called nymph. A complete change in the form of an organism from young stage to the adult stage is called metamorphosis. It's called life cycle. Sorry. Fifth one, in. Now this one is the outer part shell. Shell. This is egg white or albumin. Ya phir albumin kehte hain isse. This is yolk, y-o-l-k, yolk, and embryo. Fill in the blank using the words given in the box. When a baby bird comes out of an egg, it is called a chick. Jab baby bird egg mein bahar aati hen ke, it is known as chick. The cluster of eggs laid by a female frog are called spams. Bahut sare eggs ek saath jab female frog deti to use kaha jata spams.
The period of time for which an animal or a plant live is called as life span. Life, S-P-A-N, span. The larva of a housefly is known as maggot. A young cockroach shed its skin several times and changes into an adult. The process of shedding the old skin is called molting. M-O-U-L-T-I-N-G, molting. Okay, this is the fill in the blanks. Next, answer this question. Short answers. Define the following: metamorphosis. It is the process by which some animals go through a series of physical change to become adult. Yolk. The yellow portion in the center of the egg is called the yolk. Caterpillar. The larva of a butterfly is called a caterpillar. Sperm. A female frog lays hundreds of eggs at a time in a lake or pond. These egg clusters means group of eggs, are called sperms. Tadpole. A tiny young frog which hatches out of an egg is called a tadpole. Why do animals reproduce? To ensure that life goes on, animals must produce more of their own kind before they die. This is why they reproduce. Okay. Next, what is incubation? The male or female birds sit on the egg for a week in order to keep them warm. This is known as incubation. Give three examples of animals that show metamorphosis. The three examples of the animals that show metamorphosis are hen, fish, and frog. What is molting? Name the animal that undergo molting. The process of shedding the old skin in some insect is called molting. For example, cockroach. Differentiate between mammals and marsupials. Marsupials are the animals that carries their young ones in their pouch, whereas mammals keep their young ones in their habitats. Okay. These are the question answers. You will write it, pause the video and write down the question answers given in the slides. And in your homework, you will learn and write exercise 3 times. In your classwork also, classwork 1 time and 2 times in your homework book. Okay. And submit your homework book as soon as possible. Thank you and see you in the next lecture.